सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज झारखंड व पाएं झारखंड की तमाम खबरें। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड चैनल और मैं हूं आपके साथ अनुज प्रसाद। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है और तमाम प्रत्याशी जो हैं सो जनसंपर्क अभियान तेज कर चुके हैं। चूंकि जनसंपर्क का जो अभियान चलाया जा रहा है वो कुछ दिन अब बाकी रह गया है और चुनाव की तिथि भी अब काफ़ी नज़दीक आ गई है। ऐसे में प्रत्याशी लगातार लोगों से संपर्क कर रहे हैं और अपने पक्ष में वोट देने की अपील कर रहे हैं। अभी हम पहुँचे हैं पाकी प्रखंड के नूरू पंचायत के सरेडी गाँव में। यहाँ पर मुखिया प्रत्याशी परमिला देवी जो हैं सो जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं और देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में इनके समर्थन में लोगों के यहाँ भीड़ उमड़ी हुई है। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि इन्हें लोगों का कितना समर्थन मिल रहा है और कहां कहां जनसंपर्क अभियान आज चलाया गया। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को प्रणाम, सभी दर्शकों को प्रणाम। आज नूरू में घूमे, रायजहर सरैडी पूरा पूरा फुल बहुमत, पूरा अपार बहुमत से ही लोग मतलब हमको समर्थन दे रहे हैं। बहुत दुलार प्यार ये लोग हमको लाए हैं कि आप आइए, महिला सीट है। कोरोना काल में हमारे हस्बैंड के देहांत हो गया तो इसीलिए ये लोग कहे कि महिला सीट भी हो गया, आइए आप, कोई भी तो महिला ना लड़ेगी, जेंट्स तो कोई लड़ेंगे नहीं। तो इसी वजह से बहुत ही लोग के अपार बहुमत मिल रहा है हमको, बहुत लाड प्यार मिल रहा है। इतना सब कोई कहता है कि सब अपने इच्छा से सब निकले हैं, अपने खुशी से कि नहीं घूम रही हैं प्रत्याशी, हम साथ में घूमें। रहा बात सबको भयभीत करने का, प्रत्याशी लोग का, प्रत्याशी तो उतना नहीं बोल रहे हैं लेकिन उन लोग का हस्बैंड हैं और लोग हैं, बोल रहे हैं कि वो चुनाव जीतने के बाद यहाँ नहीं रहेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है जो हम बोल नहीं पा रहे हैं, फिर भी हमको बोलना पड़ रहा है कि अब मेरा ज़िंदगी अकेला हो गया। हम डाल्टनगंज गए थे तो बच्चों को पढ़ाने के लिए गए थे जी। मेरा पूरा परिवार यहाँ है, पूरा मेरा व्यापार यहाँ है, घर मकान यहाँ है, मेरा संपत्ति यहाँ है, पैतृक गाँव है, हम कहाँ जाएंगे। थे वो, हम बाल बच्चा को पढ़ाने के गए, बच्चे लोग अब पढ़ लिए, हम साथ में रहेंगे यहाँ परिवार के साथ। और जब चुनाव में आए हैं तो ईमानदारी से निभाएंगे और जनता के साथ रहेंगे। लेकिन ये भयभीत ही लोग कर रहे हैं ना कि यहाँ नहीं रहेगी, खाली विपक्षी लोग, जनता के मन में नहीं है लेकिन विपक्षी लोग इसको भयभीत कर रहे हैं कि यहाँ नहीं रहेगी, केवल भड़का रहे हैं। देख रहे हैं कि अपार बहुमत मिल रहा है, पूरा समर्थन मिल रहा है, तो वो लोग घबराए हुए हैं कि चुनाव निकाल रही है, हम लोग क्या क्या इसमें मतलब हथकंडा अपनाए कि उसको। कितना लोग हैं कह रहे हैं कि चुनाव प्रचार में मार होगा, मार करेंगे, गाली भी होगा, लेकिन हमको नहीं करना है ना। लोग कह रहे हैं, क्या अपील करना चाहेंगे पंचायतवासियों से आप? पंचायतवासी से यही है कि जितना दलाल हैं, जितना 6-6.5 साल के अंतर में लुटाया, वो सब मेरे राज में बिल्कुल नहीं होगा। इससे हम मुक्त करना चाहते हैं। इतना सरकारी लाभ मिल रहा है, गरीब तक क्यों नहीं पहुंच रहा है? चुनाव में तो बहुत लोग आए हैं, क्यों नहीं इसका कोई आवाज़ उठाते हैं कि गरीब का हक गरीब तक मिलना चाहिए? हमारे पति रहे, हर समय विपक्ष का भूमिका निभाए और आवाज़ उठाते रहे कि नहीं, गरीब का चीज़, गरीब का हक गरीब को मिलना चाहिए। जितना सरकार घर से मिल रहा है गरीब का हक, पूछिए यहाँ के जनता से कि उतना ही लोग के पहुँच रहा है हक गरीब का? सारा चीज़ मोदी सरकार भेज रहे हैं, गैस दे रहे हैं, गैस चूल्हा दे रहे हैं, आवास दे रहे हैं, जल मीनार दे रहे हैं, चापाकल दे रहे हैं, कुआं दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, फ्री का राशन मोदी सरकार दे रहे हैं, आवास भेज रहे मोदी सरकार। कोई मुखिया बोलता है हम तो आवास दे लियो, ये गलत बात है। हम मुखिया बनेंगे कभी हम नहीं कहेंगे हम आपको आवास दिए, क्यों? मेरे हाथ में नहीं है ना। पंचायत में जब भ्रमण कर रहे हैं तो आवास योजना के कुछ लाभुक मिले होंगे आपसे, क्या बताया गया उनके द्वारा, किस तरह का भ्रष्टाचार हुआ है? यहाँ पे मतलब इतना लूट हुआ है आवास में, आवास आपका आया नहीं, आपका अकाउंट में पैसा आया नहीं। 10,000 हमको दे दीजिए, 15,000 हमको दे दीजिए, 20,000 आपका पैसा डाला जाएगा। एक एक साल से यहाँ के लाभुक पैसा दे के अब इंतजार कर रहे हैं कि हमरा से पैसा ले लिए, अब अभी तक आया नहीं। अभी तो चुनाव में जो लिए हैं ये लोग मांग रहे हैं और बहुत के लौटाया भी जा रहा है कि लौटा दे रहे हैं, चुप रहिए, हल्ला मत कीजिए। बहुत लाभुक के यहाँ पूछिए कि बहुत लोग के मिला वापस और बहुत लोग के नहीं भी मिला है। 10,000, 15,000, 20,000 आवास में कहाँ पैसा लगता है इतना? अरे खर्च जेन्युइन खर्च लीजिए ना, मोदी सरकार भेज रहे हैं ना, आप दे रहे हैं। अगर आप दे रहे हैं तो हम विधवा हैं, मेरा कोई पेंशन कर देवे उसको हम 10,000 रुपया देंगे, लेकिन मेरा पेंशन कैसे हो जाएगा?
लोग कहते हैं कि हम पेंशन करवा दिए, जिसका होने लायक है उसी का ना होगा जी, सबका नहीं ना होगा। हम इनकम टैक्स फाइल करते हैं, अगर हम 50,000 देंगे तो मेरा नहीं होगा, तो इसलिए ये लोग धौस देते हैं हम पेंशन करवा दे रहे हैं। वृद्धा पेंशन में कहाँ पैसा लगता है, विधवा पेंशन में कहाँ पैसा लगता है, आवास में है जेन्युइन खर्च लीजिए 10,000-20,000। चुनाव यदि आप जीतते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे क्षेत्र के लिए? जो गरीब का हक आएगा वो गरीब तक मेरा पहुंचाने का लक्ष्य है कि गरीब तक हम पहुंचाएं, और दलाल बिचौलिया से पंचायत मुक्त हो, मेरे रीजन में कोई दलाल का चारा नहीं चलेगा जी। बहुत बहुत धन्यवाद, अभी आपने सुना मुखिया प्रत्याशी प्रमिला देवी को, जिन्होंने बताया कि पंचायत क्षेत्र में जो अभी तरह तरह के प्रत्याशी आए हैं उनके द्वारा इनके खिलाफ भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं कि चुनाव जीतने के बाद वो यहां से चले जाएंगे, लेकिन इनके द्वारा कहा गया कि ऐसा कुछ नहीं किया जाएगा और अभी से वे जनता के बीच आ चुकी हैं और चुनाव जीतने के बाद भी वे जनता के साथ बनी रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बेल छाप जिंदाबाद।